शर्म की बात है कि हमारे खिलाड़ियों को जाति विशेष में बांट कर इस देश के खिलाड़ियों का अपमान किया जा रहा है। मीडिया के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगी कि ब्रजभूषण शरण को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। हम अपनी बच्चियों की असमत के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया, यौन शोषण हुआ, उसके खिलाफ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही है। जहाँ भी जिस भी स्थिति में जो भी लोग प्रोटेस्ट गांव में, ढाणियों में, छोटे कस्बों में, जहाँ पर भी कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए। किसका शरीर में रह रहे हैं, एक ही राज्य, एक ही परिवार, एक ही जाति के लोग वोट कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हरियाणा क्या बात है? इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? जिस दिन हमारी बच्चियां मेडल जीत कर लेकर आई थी, तो उस दिन वो हिंदुस्तान की बेटी थी, और जिस दिन वो अपनी बेटियों की असमत बचाने के लिए सड़कों के ऊपर है, तो वो जात है। ये शर्म की बात है कि हमारी खिलाड़ियों को जाति विशेष में बांट कर इस देश के खिलाड़ियों का अपमान किया जा रहा है। जिस दिन वो मेडल जीत कर आए थे, इस देश ने गर्व किया था, उस समय वो जाट नहीं थे, वो इस देश का खिलाड़ी था जिस दिन वो मेडल जीत कर आया था। और आज जब वो अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज मजबूत कर रहा है, तो उसे जाट का नाम दिया जा रहा है। ट्रायल नहीं देना चाहते ये खिलाड़ी, ये कहते हैं कि बड़े खिलाड़ी। बहुत सुंदर स्पष्टीकरण दिनेश ने दिया था कि आज तक उसने कितनी बार स्किप किया जो वो नहीं खेलने गए उसने कभी भी। और खिलाड़ी कमजोर नहीं होता है, ये भी मैं बताना चाहूंगी। कोई भी खिलाड़ी अगर इस तरीके की राजनीति करेगा वो मेडल नहीं जीत सकता है। वो खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर मेडल जीते हैं। ये कमजोर, इनके प्रोटेस्ट को कमजोर करने की बातें हैं। मैं मीडिया के माध्यम से देशवासियों को कहना चाहूंगी, आपने जब अपने बच्चों के लिए आइकॉन को चुना था, उस समय किसी जाति विशेष को नहीं, उनकी प्रतिभा को देखकर चुना था। आज वही बच्चियां खेल को बचाने के लिए, कुश्ती को बचाने के लिए सड़कों पे हैं, तो उनके साथ क्या लगता है, किसको शेल्टर कौन ले रहा है? वो पॉलिटिकली किस तरीके से इसको करने की कोशिश की जा रही है, आपको क्या लगता है? बीजेपी की सरकार कर रही है। आज अगर किसी भी खिलाड़ी के साथ इस तरीके से हो गया होता, कोई आम आदमी होता, तो तुरंत सरकारों के पीछे होता। आज वो सांसद है और बीजेपी को सांसद की जरूरत है। आज वो खिलाड़ी जो इतने स्टार एथलीट हैं, जिन्होंने वर्ल्ड स्तर पर हिंदुस्तान का नाम कमाया हो, और आज वो सड़कों पे रो रही है, क्या इसी दिन के लिए मेडल जीता था? आप कब से पहले? अगर हम भगत सिंह को फॉलो करते हैं, तो उसकी विचारधारा को फॉलो करना पड़ेगा, अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। और मैं मीडिया के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगी कि ब्रजभूषण शरण को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। पॉक्सो एक्ट एक बहुत बड़ा एक्ट है, जिसके माध्यम से तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। आज खिलाड़ियों से बड़ा सांसद हो चुका है, तो ये बहुत शर्म की बात। आप खिलाड़ियों के साथ लोगों की सहानुभूति है, लेकिन एक सवाल ये उठा है कि जिस वक्त आप लोगों का धरना स्टार्ट हुआ था 23 अप्रैल को, वो राजनीतिक मंच नहीं था, किसी भी नेता को आपने अपने मंच पर आने नहीं दिया। अब उसको राजनीतिक मंच क्यों बना दिया है, सारे नेता वहाँ पर? मैं यहाँ पर आपकी बात को दुरुस्त करना चाहूंगी। जब पहली बार जब प्रोटेस्ट किया गया था, तो उस समय खिलाड़ियों ने बिल्कुल दूर रखा था, और ये खिलाड़ी बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गए हैं खिलाड़ी, जिनकी मानसिकता जो है बहुत बड़ी है, बहुत ऊंची सोच के रखने वाले हैं। ये मैंने पहले भी बताया कि हमारा देश का संस्कार ऐसा नहीं है कि कोई बेटी अश्वत्थ दाव पे लगाकर किसी राजनीतिक बहकावे में आएगी। दूसरी बात, जब ये खिलाड़ियों ने खुद ने आह्वान किया, और हम खुद चाहते थे कि एक बार कमेटी बनी, समय भी हमको लगभग 3 महीने का दिया गया, उसके बावजूद अगर इन बातों के ऊपर संज्ञान नहीं लिया गया है, तो मुझे ये लगता है कि राजनीतिक पार्टियां रोटियां नहीं सेक रही हैं। इस देश के हर व्यक्ति को उसका मैं कहूंगी समर्थन देना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगी, बीजेपी को छोड़कर इस देश में कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो अपनी बेटियों की असमत को दांव पे लगाकर राजनीतिक रेडिया सके। ये संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, वो इसका प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, और इस धरना प्रदर्शन को, इस प्रोटेस्ट को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं अपनी बेटियों से, निडर होके आप लड़िए, हम पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। और उन माता पिता से भी मैं कहना चाहूंगी, जब ये बेटियां पदक जीत कर आई थी, तो आप अपने बच्चों को ऐसा ही स्टार बनाना चाहते थे, उन्हें फॉलो करना चाहते थे।